हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज का इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अब रियलमी के डिवाइस में कोई सा भी आपके पास रियलमी के डिवाइस हो, आप पीडीएफ फाइल को सेव करना चाहते हैं अपने गैलरी में, फाइल मैनेजर में, और क्या होता है कि वर्क नहीं करता है, तो इसी के बारे में आपको जो सेविंग के प्रॉब्लम को लेकर इशू आ रहा है, पीडीएफ को लेकर इशू आ रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक बने रहे। इस वीडियो में आपको सारा जानकारी देने वाला हूँ कि पीडीएफ फाइल को कैसे आप सेव कर सकते हैं अपने गैलरी में, फाइल मैनेजर में, ये वर्क नहीं कर रहा, तो वीडियो को एंड तक बने रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अलाउद्दीन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब के बटन जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे प्रेस जरूर करें। चलिए वीडियो को वही स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ कि पीडीएफ फाइल को कैसे आप सेव कर सकते हैं आप अपने गैलरी में, फाइल मैनेजर में। अब पीडीएफ फाइल को सेव करने के बाद आप अपने जाके प्रिंट करवा सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र से कोई सा भी फॉर्म भर के आप पीडीएफ बना लेते हैं, बट दोस्तों उसके बाद आपको सेव नहीं कर पाते, वर्क ही नहीं करता आपको फाइल मैनेजर में, तो उसको कैसे प्रॉब्लम को सेव करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, तो इस वीडियो को एंड तक बने रहे। चलिए मैं बताता हूँ, मैंने एक पीडीएफ बनाया था, तो मैंने एक पीडीएफ बनाया था सिर्फ आपको बताने के लिए, तो इस पीडीएफ को मुझे डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसको हम गैलरी में सेव भी नहीं कर पा रहे, तो उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। जब से एंड्रॉयड 10 का जो अपडेट आया है तब से मेरा जो अब सेव नहीं हो रहा, तो क्या करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट में जैसे हम जाते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करें, प्रिंट में जैसे जाते हैं, इस पीडीएफ फाइल को मुझे डाउनलोड करना है, तो इसको हमको डाउनलोड करने के लिए देख सकते हैं यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, सेव करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, डाउनलोड करने का ऑप्शन कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर भी इसको आप डाउनलोड कैसे कर सकते। जब से एंड्रॉयड 10 का अपडेट आया तब से मुझे यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, जब यहाँ पे एंड्रॉयड 9 का अपडेट था तब हमको ये सेव करने का ऑप्शन मिल रहा था, जब से एंड्रॉयड 10 का अपडेट आ चुका है तब से ये सेव करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा। कुछ दिन पहले मैंने मेरे एक भाई कमेंट करके पूछ रहा था कि पीडीएफ जो डाउनलोड नहीं हो रहा, फाइल वर्क नहीं कर रहा, सेव नहीं कर पा रहे अपने रियलमी 5S के डिवाइस में, तो अगर आपके पास कोई सा भी रियलमी का डिवाइस हो तो ये आप यूज कर सकते, इस तरह का ट्रिक यूज करना आपको जो सेव हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ। चलिए मान लीजिए कि हम बैक जाते हैं, यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें हम डाउनलोड जिसमें क्लिक कर देते हैं, हमारा जो ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुका है, बट ये फिर भी आपको फाइल मैनेजर में वर्क नहीं करेगा। जैसे हम फाइल में जाते हैं, अपने जाने के बाद यहाँ पे जिसके जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा पीडीएफ तो नीचे सबसे नीचे देख सकते हैं, पीडीएफ फाइल जो हमारा तो डाउनलोड हो चुका है, बट ये हमारा जो वर्क नहीं कर, ये फोटो हमारा जो पीडीएफ फोटो है ये वर्क नहीं कर रहा, देख से वर्क नहीं कर रहा, तो इसी को प्रॉब्लम मैं ठीक करने आया हूँ। तो इसके करना क्या होगा, इसके लिए आपको चल जाना है बैक चल जाने के बाद बैक चल जाना है, इसके बाद आपको चल जाना है आपको सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है प्रिंट, यहाँ पर आपको सेटिंग में सर्च करना है प्रिंट। चलिए मैं यहाँ पर प्रिंट सर्च करता हूँ, प्रिंट जैसे आप सर्च करते हैं इस तरह थोड़ा सा लेट से ओपन होता है, तो आपको इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा 1-2 सेकंड, उसके बाद इस तरह से आपको 2 सेटिंग आपको देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाला आपको क्लिक करना है प्रिंट पर, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी एड सर्विस का आपको लिखा होगा, एड सर्विस पर आपको क्लिक करना है, अगर ये आपको ऑफ है तो ये ऑन कर देना है, यहाँ एड सर्विस पर आपको क्लिक करना है। एड सर्विस में जैसे हम क्लिक करते हैं आपको करना क्या है, इस तरह से आपको बहुत सारा आपको प्रिंट वाला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंट शेयर मोबाइल प्रिंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको आपको क्लिक करके इसको आपको डाउनलोड करना है, मात्र 1 MB की एप्लीकेशन है, ये आपको डाउनलोड करना है, ये ऑप्शन मिल रहा है आपको मोबाइल से डाउनलोड करने के लिए बता रहा है, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद मैं बता देता हूँ कि इसको आपको सेव कैसे कर सकते हैं, इसके बाद पीडीएफ को यहाँ से आपको ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है प्रिंट टू पीडीएफ करना है, इसके बाद आपको कट कर देना है, इसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है सभी चीज़ को, इसके बाद क्लोज कर देना है, इसके बाद फिर से चल जाना आपको वहीं से जहाँ से पीडीएफ बनाए थे, वहाँ से जाने के बाद आपको करना क्या होगा, जो आप पीडीएफ बनाए थे उसमें आपको चल जाना है, तो इसके बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या 3 डॉट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर जैसे हम क्लिक करते हैं, इसके बाद देख सकते हैं कि प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, प्रिंट में आपको क्लिक करना है, प्रिंट में जैसे हम क्लिक करते हैं इस तरह से न्यू टैब का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, फिर से मैंने वहीं से जाते देखिए देख सकते कि यहाँ पे न्यू तरह का ऑप्शन मिल रहा था, ऊपर जो प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा वो पहले आपका शो नहीं कर रहा था, अब दोस्तों ब्लू कलर का लिखा हुआ आ रहा है प्रिंट, अब आप यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, तो यहाँ से 1 कॉपी डर सेव करना चाहते हैं, 2 कॉपी सेव करना चाहते हैं, जो सेव कर जितना सेव करना चाहते हैं वहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि प्रिंट पर हमको क्लिक करते हैं, प्रिंट में जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ से ओके कर देना है, ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे जो गैलरी में सेव हो चुका है, फाइल में सेव हो चुका है, अभी भी सेव नहीं हुआ, आपको क्या करना है, आपको इस प्रिंट में आपको क्लिक करना है, इस पर जैसे डाउनलोड किया था इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस तरह से आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन इस तरह से खुल जाएगा, तो यहाँ पर करना क्या, नीचे देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, प्रिंट में आपको क्लिक करना है,
प्रिंट में जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से एक कॉपी, चार कॉपी, पांच कॉपी, छह कॉपी, नौ कॉपी, जितना भी डाउनलोड करना चाहते हैं इसको आपको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक ही में करके दिखाता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ। जैसे इसे ओके करते हैं हमारा जो फाइल है, जो PDF है, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने का, सेव करने का। देखिए यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, सबसे नीचे सेव करने का ऑप्शन मिल रहा है, सेव पर आपको क्लिक कर देना है। सेव जैसे हम क्लिक करते हैं हमारा जो PDF है सेव हो चुका है, इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद आपको बैक चल जाना है। इसके बाद मैं बता देता हूँ, फाइल मैनेजर में जाकर देख सकते हैं कि हमारा जो PDF है सेव हो चुका है। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो PDF सेव हो चुका है, 100% वर्किंग ट्रिक है। देख सकते कि हमारा जो PDF इस पहले शो नहीं कर रहा था, जो पहले जो वाला शो नहीं कर रहा था, ये वाला हमारा शो नहीं कर रहा था। अब जो जैसे मैंने न्यू डाउनलोड किया इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, देखिए हमारा शो नहीं कर रहा था। अब जो मेरा PDF है यहाँ पे सेव हो चुका है, सबसे ऊपर वाला देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो PDF है सेव हो चुका है। हमारा जो PDF है यहाँ पे देख सकते हैं, इस PDF पे जब हम क्लिक करते हैं, देखिए हमारा जो PDF है सेव हो चुका है। इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं, बहुत वर्किंग ट्रिक है दोस्तों, इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगर आपका मोबाइल में कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूँ। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी तो फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपसे टेलीग्राम और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हो। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।